नमस्ते, ट्रिपल आईएम के एग्जिम प्रीनियर में हम वापस आए हैं। मैं तृप्ति शाह और आज हमारे साथ हैं विपुल रुडकिया, जो सूरत में 2015 में यहाँ ट्रिपल आईएम के कोर्स उन्होंने पढ़ा था। आज हम आपसे बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए इंडस्ट्री में, जो विपुल वहाँ पे एक्सपोर्ट किया नहीं कह सकते पर इम्पोर्ट रेगुलरली कर रहे हैं, एक्सपोर्ट की भी वो बात करेंगे हमसे। इनका प्रोडक्ट है एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, डिफरेंट पार्ट्स एंड एक्सेसरीज जो जाती हैं एलिवेटर्स में एंड एस्केलेटर्स में, उनका काम करते हैं विपुल। और विपुल ये चीज़ें जो पार्ट्स होते हैं वो चाइना से इम्पोर्ट रेगुलरली करते हैं। विपुल अपने खुद का बिजनेस चलाते हैं, वो हैं अगेन इन द एरिया ऑफ एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स, और ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और कई बार नई कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है, वो पार्ट्स नए डलवाने होते हैं, सो दे हैव टू हैव दिस स्टॉक, तो ये स्टॉक वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, और कई बार उनको असेंबल करके भी एक लिफ्ट अपनी बना के कहीं पर लगानी हो तो भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विपुल जी से, विपुल हमें बताएंगे कि वो कैसे ये फील्ड में हैं और उनका अनुभव कैसा रहा है एक्सपोर्ट करने के समय और अभी जब वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। वी विल टॉक टू विपुल इन आर एग्जिमप्रीन्योर टॉक शो। विपुल जी नमस्ते, वेलकम हियर। नमस्ते। आप हमें बताइए, आपका पहले तो फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि आपके फैमिली बिजनेस फैमिली थी, आप कैसे इस फील्ड में आए? मेरी जो फैमिली है वो बिजनेस फैमिली नहीं है। मेरे पापा जो है वो छोटी सी एक दुकान चलाते मर्थाना गांव में। जी हाँ। ओके, सो ही आज की तारीख में भी वो विलेज में है? जी हाँ। ओके, तो फैमिली विलेज में है और आपकी खुद की फैमिली यहाँ सूरत में है? जी हाँ। ऑल राइट, वो ओके, दिस इज न्यू। ओके, तो फिर कैसे आप इस फील्ड में आए? फील्ड में मैं पहले यही फील्ड में जॉब कर रहा था, जॉब के कुछ 8-10 साल मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने अपना पर्सनल एक बिजनेस स्टार्ट किया, एलिवेटर सर्विस मेंटेनेंस और नया लिफ्ट इंस्टॉलेशन का। ठीक है, एलिवेटर सर्विस मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन। ठीक, वो जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड ने बताया ट्रिपल आईएम में कुछ इंपोर्ट कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते, ऐसा पूरा जो है उधर कोर्स किया जा सकता है और वहाँ से अपने को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हमारा कोई भी स्पेयर पार्ट वगैरह जो रहता है वो चाइना में अवेलेबल है, लेकिन हमको मालूम नहीं था तो वहाँ से मंगाना कैसे है और यहाँ पे अपने को मिलेगा कैसे, उसके लिए जो ट्रिप है अपना आईसी कोड वगैरह रहता है उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। ठीक है, बाद में जब मैंने एक बार मेरे फ्रेंड ने जो सजेस्ट किया उसके बाद में हमने यहाँ पे कोर्स किया। उस टाइम पे कोर्स जब चालू ही था उस टाइम पे हमारे पास युगांडा से 2 एलिवेटर किट का ऑर्डर था, लेकिन मेरे पास आईसी कोड वगैरह कुछ नहीं था। तो वो युगांडा वालों ने आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया? रेफरेंस तो आए थे। ओके, युगांडा से आपको एक बायर मिला और उन्होंने बोला कि 2 एलिवेटर हमें भेजो। जी हाँ। ऑल राइट, वेरी गुड। उस समय हमने एक दूसरे जो है उनके आईसी कोड पे हमने एक्सपोर्ट किया युगांडा पे। तो वो आपके रिश्तेदार थे या फ्रेंड थे? फ्रेंड थे। फ्रेंड के आईसी कोड पे आपने एक्सपोर्ट किया 2 एलिवेटर? जी हाँ। तो वो पेमेंट टर्म्स वगैरह कैसे आपने तय की थी? वो जो भी था वो जो फ्रेंड था उसके अंदर ही था, मतलब जो भी किया उसने किया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने सिर्फ मार्गदर्शन दिया। जी हाँ। ऑल राइट, सब कुछ अच्छे से हो गया? सब कुछ अच्छे से हो गया, कोई थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी लेकिन हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ने से पहले ही एक्सपोर्टर बन गए हैं, एक्सपोर्टिंग कंसल्टेंट बन गए हैं ऐसा हम कह सकते हैं विपुल जी। तो आज उसके बाद आपने कुछ एक्सपोर्ट किया? नहीं, उसके बाद में हमने युगांडा में अपना ऑफिस का ट्राई किया था, लेकिन यहाँ का जो बिजनेस है पहले पूरी तरह से सेटअप हो जाए उसके बाद में वहाँ पर ऑफिस खोल के अपना एक्सपोर्ट चालू करेंगे। फिलहाल 1 साल के बाद का प्लानिंग है, 1 साल के बाद का जो है उधर युगांडा में हमारा ऑफिस खोलेंगे,
और वहाँ पे हम जो भी रहेगा यहाँ से मटेरियल वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। लिफ्ट एस्केलेटर टोटली स्पेयर, लिफ्ट एस्केलेटर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। जी युगांडा में एक साल के बाद आपकी इच्छा है कि वहाँ पे अपना ऑफिस खोले। वेरी गुड। अभी आप हमें बताइए, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं रेगुलरली, तो क्या कर रहे हैं, कैसे कॉन्टेक्ट किया आपने उन सप्लायर्स का? इम्पोर्ट के लिए हमने जो सप्लायर से जो कॉन्टेक्ट किया वो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और अलीबाबा पे जो सप्लायर जो रहते हैं वहाँ से हमने कॉन्टेक्ट उनका चाइना में किया। नहीं, आपने लिखा क्या, मतलब कैसे, B2B साइट में आपने डाला? B2B साइट पे, फेसबुक पे, B2B साइट और फेसबुक वगैरह के ऊपर जो हमारा जो रिक्वायरमेंट जो स्पेयर का रहता था वो स्पेयर पर हमने नेट पे मैंने सर्च किया, बहुत सारे बाय अपना बहुत सारे लोग मिले, वहाँ से अलग 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 प्राइज मिला। उसके बाद में मैं वन बाय वन एक बार सबके पास साथ में मार्गेनिंग वगैरह सब किया। उसके बाद में फर्स्ट इंपोर्ट मैंने वहाँ से किया जब IIIM से मैंने IC कोड अपना ले लिया था। ऑल राइट, जब IC कोड ले लिया तो फर्स्ट इंपोर्ट कर लिया आपने? जी हाँ। अरे वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। फिर उसके बाद में जैसे क्या है ना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चाइना में अवेलेबल है और अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो भी चीज़ें चाइना में जो अवेलेबल और अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और वो रेगुलर बेसिस पे चालू है, महीने में एक आध दो बार कुछ ना कुछ मंगाते रहते हो। अच्छा विपुल जी, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला आपने जो इम्पोर्ट किया तो वो सप्लायर आपको कैसे मिला था? वो अलीबाबा से मिला था मेरे को, अलीबाबा से मिला था साइट। और वो चाइनीज था, चाइना से था? जी हाँ, टोटली जो सप्लायर थे वो चाइना से ही। फिर आपने वेरिफिकेशन किया कि वो सही इंसान है नहीं है, आपको डर लगा? वो डर लगा था, लेकिन क्या है ना कि पहले जो इम्पोर्ट किया वो अमाउंट बहुत छोटा था। ओके ठीक है, उसके बाद में मैंने देखा कि भाई इसने डरने जैसा और कुछ नहीं है, और चाइना है तो सभी लोग बोलते थे कि भाई अभी चाइना से मंगाते हैं कुछ और भेज देते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जो भी चाहिए जो प्रॉपरली और क्वालिटी के साथ में मटेरियल भेजते हैं। और आपने HS कोड वगैरह उनको दिया कि भाई मुझे ये चाहिए माल, तो उन्होंने आपका ऑर्डर कंप्लीट कर दिया? जी हाँ। और पेमेंट आपने कैसे की थी उनको? पेमेंट जो थे वो बैंक से मैंने ट्रांसफ़र किया था। कितने परसेंट? 100%, क्योंकि छोटा अमाउंट रहता है तो 100% एडवांस पेमेंट में गया। ऑल राइट, पर सब कुछ आपको आराम से अच्छे से मिल गया? जी। अभी आप वही सप्लायर से माल मंगवाते रहते हो? डिफरेंट कुछ 7 सप्लायर है। ओके। अलग अलग से कोई कोई मटेरियल जो रहता है वो डिफरेंट वो 7 सप्लायर जो है उसके साथ कंटिन्यू हम जो इंपोर्ट करते रहते हैं, टच में रहते हो उनसे, और 7 सप्लायर से रिपीट ऑर्डर्स देके आप इंपोर्ट करते रहते हो। ओके। आपको कभी ऐसा लगा कि वो तो पहला तो ऑर्डर छोटा ऑर्डर था इसलिए आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, पर बाकी जो 7 आपके, बाकी 6 जो आपके सप्लायर्स हैं उनका कुछ वेरिफिकेशन करवाया, उनका कुछ क्वालिटी का इंस्पेक्शन करवाया? वो चाइना में मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक बंदा वहाँ पे है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन मैंने करवाया था। वो कंपनी बहुत बड़ा था तो हिसाब से क्वालिटी और दूसरी को ये हिसाब से हमको देखने जैसा नहीं था। अच्छा, और उसके रेट सारे के रेट्स कंपेटिटिव रेट्स थे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आई? तो अभी महीने में कितने कंटेनर्स आपके आते हैं चाइना से? बेसिकली हम कंटेनर नहीं मंगाते, कुरियर मोड आता है। ओके, कुरियर मोड। हाँ, क्योंकि क्या स्पेयर रहता है तो छोटे स्पेयर रहते हैं। कितने केजी का, कितने किलोग्राम का? वो 400 केजी, 300 केजी, 500 केजी, 1000 केजी। कौन से कुरियर यूज करते हैं? वो फेडेक्स से यूज करते हैं। TNT और फेडेक्स। TNT और फेडेक्स। तो आप ये जो बेचते हो तो उसमें पैकिंग स्लिप डालते होंगे, आपको भी मेरे कस्टम के थ्रू जाता होगा ये माल? जी हाँ, कस्टम के थ्रू। तो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भी भरनी होगी इसमें? जी हाँ। तो इम्पोर्ट ड्यूटी आपके CHA भर लेते हैं? जी हाँ। आपके CHA सूरत में ही है? नहीं, वो फेडेक्स के जो CHA है। अच्छा। वहीं से वो कंप्लीट करके देते हैं। ऑल राइट, ओके। और आपके ऑफिस तक वो माल पहुंचाता है? ऑल राइट। तो आपको अभी जो युगांडा में आपको अपनी ऑफिस खोलनी है और युगांडा में आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि कैसे प्लानिंग कर रहे हैं आप? फिलहाल हमारा जो है एलिवेटर न्यू इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का बिजनेस है, ठीक है,
और फिलहाल जो हमारा गुजरात में मैंने जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं ओनली सूरत लेवल पे ही कर रहा था। अभी फिलहाल जो है ना पूरा गुजरात लेवल पे मैंने ब्रांच ओपन किया है। जरा गुजरात लेवल पे पूरा अपना सेटअप हो जाएगा कम्प्लीटली एक साल में, उसके बाद में हम युगांडा में कोई एक ऑफिस खोलेंगे और अच्छा सा सेटअप वहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपने थोड़ी कार्यवाही चालू कर दी है कि कैसे वहाँ पे सेट ऑफिस बनने के लिए क्या चाहिए, कैसे गवर्नमेंट के साथ? वो सभी जो है ना वो हमारा एक पार्टनर था वहाँ पे एक महीना रुक के आया और वो सभी जो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया, सब लेके आया। ओके, आप चाइना गए हो? जी नहीं, मैं एक भी बार चाइना नहीं गया। अच्छा, और चाइना बिना गए आपको अच्छे सप्लायर्स मिल गए हैं? जी हाँ। और अच्छे से चल रहा है आपका इम्पोर्ट एंड यू आर हैप्पी? जी हाँ। ऑल राइट, सो वी हैव विपुल एंड विपुल इज़ वेरी हैप्पी विथ हिज इम्पोर्ट राइट नाउ एंड देन ही इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश, वो अपनी ऑफिस खोलने वाले हैं युगांडा, उसके लिए सारी तैयारियाँ कर ली है। एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कुरियर से कर रहे हैं और कस्टम्स थ्रू इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह सब कुछ जो है, बट इट इज़ अ कुरियर मोड। सो आज हमें एक नए एग्जिम्प्रन्योर को मिलना हुआ और थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट की बात हमने की, विच इज़ वेरी गुड एंड आई थैंक यू वेरी मच विपुल जी कि आप यहाँ आए एंड ट्रिपल आई एम इज़ थैंकिंग यू। आपको अगर ये हमारा एग्जिम्प्रन्योर वीडियोज़ जो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इनको कमेंट बिल्कुल ही करना क्योंकि हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और शेयर भी कीजिएगा, शायद से किसी को ये प्रोडक्ट अच्छा लगे और वो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आना चाहे। तो आई रिपीट वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।